अच्छा, जो गजल उल्फत की वीडियो की है हम लोगों ने सैटेलाइट के लिए, उसके बोल हैं, मेरी कहकशां भी तू है, मेरा आसमां भी तू है। इसकी आपको बस इतनी लाइन हम ज़रूर सुनाएंगे ताकि आने से पहले जो हमारी ऑडियंस है उसको कुछ इसकी गाने की जो फील है वो ज़रूर हो। एंड दिस इज़ रिटन बाय रहमत खान हु इज़ माई हस्बैंड। मेरी कहकशां भी तू है, मेरा आसमां भी तू है, मेरी राह गुजर भी तू है, मेरा कारवां भी तू है, मेरी कहकशां भी तू है, मेरा आसमां भी तू है। ये उसका मुखड़ा है गज़ल का और उम्मीद है कि ये लोगों को पसंद आएगा। इश्ते रोग में काफ़ी कलरफुल गाने हैं, जॉली गाने भी हैं, नाइस रोमांटिक पंजाबी सॉन्ग्स आल्सो, मगर इतनी उसमें कोई टफ लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की हुई कि जो समझ ना आए। इवन हिंदी लिसनर्स कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उसका एक गाना है वो बहुत फेवरेट है मेरा, सोनिया में भुखी तेरे प्यार दी, सोनिया में भुखी तेरे प्यार दी, वे सोनिया मैं भुखी तेरे प्यार दी, दिल मेरा तोड़ी ना तू, गल मेरी मोड़ी ना तू, खैर मंगती नू पावे करार दी, वे सोनिया मैं भुखी तेरे प्यार दी, वे सोनिया मैं भुखी तेरे प्यार दी। ये तो हो गए गाने जो इसके थे। इसके बाद जो तीसरी एल्बम हम प्लान कर रहे हैं ये तो रिलीज़ हो जाएगी इसी महीने में, किसी वक्त रिलीज़ कर रहे हैं मीनस, मगर इसके बाद जो एल्बम हम प्लान कर रहे हैं ना वो ऐसी है कि लोग सोच नहीं सकते कि हमने गाने गाए होंगे। बिल्कुल टोटली डिफरेंट, वेरी वाइवेशियस एंड टुडेज़ म्यूज़िक। फास्ट नंबर्स हैं सारे और डिस्को के नंबर्स हैं और दूसरे टाइप के बहुत अलग अलग से गाने हैं। उसकी झलक नहीं उसका कोई गाना नहीं गा सकते क्योंकि रिलीज़ होने वाला अभी मटेरियल नहीं है ना, तो उसका गाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सुनाना, मगर ये है कि बहुत डिफरेंट चीज़ है एंड आई एम श्योर पीपल विल लाइक दैट वेरी मच। ये इंडस्ट्री हमने मेंटली तो कभी भी नहीं छोड़ी और कुछ मजबूरियाँ होती हैं आदमी की जिसकी वजह से, फैमिली का हमारा कुछ था जिसकी वजह से 4 साल हम यहाँ से बाहर रहे, और मगर यहाँ से रابطہ जो था वो कभी हमने ख़त्म नहीं किया, वो रहा हमेशा क्योंकि घर है हमारा ये, तो उससे कभी रابطہ तो टूटता नहीं है, मगर ये है कि काम नहीं हमने किया। अब जैसे अपना एक हम सीरियल बना रहे हैं उसका टाइटल है हुस्न इश्क, फ़िलहाल ये नाम हम लोगों ने उसका रखा है। वो उमर ख़याम सहारनपुरी साहब जो अभी बहुत सारे इसके दूरदर्शन के लिख रहे हैं सीरियल्स, अलिफ लैला के जो हैं राइटर वो लिख रहे हैं, और वो एक सिंगर डांसर की स्टोरी है जिसमें ड्रामा है, म्यूज़िक है, बहुत एंटरटेनमेंट है। वो सीरियल ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ख़ुद डायरेक्ट कर रहे हैं, ख़ुद डायरेक्ट कर रहे हैं हाँ जी। और फिर हम एक शो बना रहे हैं द सलमा आगा शो, उसमें इट्स फुल ऑफ म्यूज़िक एंड जोक्स एंड एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट। ये दोनों चीज़ें आजकल हम प्लान कर रहे हैं। बिसाइज दैट प्लेबैक म्यूज़िक जो है वो जितना भी होगा फिल्म का आई एम गोइंग टू सिंग दैट।